दोस्तों स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है कि 29 अप्रैल को पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इसके चलते कई लोगों के अंदर डर का माहौल बना है। तो दोस्तों आखिर क्या होने वाला है 29 अप्रैल को, इस वीडियो में आपको समझाया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। दोस्तों नीचे अभी तक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, तो इसे दबाकर पास में बने घंटी को दबा दीजिए ताकि अद्भुत जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा क्षुद्र ग्रह हमारा धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस क्षुद्र ग्रह की आकार लगभग हिमालय जितना बड़ा है। दोस्तों यह तो सच है कि एक बहुत ही बड़ा क्षुद्र ग्रह हमारी धरती की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। वैसे हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों क्षुद्र ग्रह हैं, पर यह क्षुद्र ग्रह काफ़ी बड़ा है और तो और इस क्षुद्र ग्रह की गति काफ़ी ज़्यादा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्षुद्र ग्रह की गति 24,000 मील प्रति घंटे है। वैसे भी हमारे धरती का एक बार क्षुद्र ग्रह के वजह से पूरी धरती का विनाश हो चुका है। आज से करीब करोड़ों वर्ष पहले हमारे धरती पर एक बहुत ही बड़ा क्षुद्र ग्रह गिरा था, जिसके वजह से डायनासोरों का अंत हुआ था और हमारा जन्म हुआ था। वैसे हमारे धरती पर हर साल छोटे मोटे क्षुद्र ग्रह कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं, जिससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह क्षुद्र ग्रह अगर धरती से टकराया तो बहुत ही बड़ा विनाश होगा, एक पल में ही पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। इस क्षुद्र ग्रह के धरती से टकराने से इस धरती पर मौजूद सारे समुद्र का पानी शहरों में भर जाएगा। लगभग 24 घंटे के अंदर इस धरती का तापमान सैकड़ों डिग्री तक हो जाएगा। इस क्षुद्र ग्रह के तुरंत टकराने बाद आसमान में लाखों धूल कण उड़ जाएंगे, जो मिलकर आसमान में एक मोटी परत बनाएंगी, जिसके वजह से सूर्य की किरण इस धरती पर नहीं पहुंच पाएगी, जिससे लाखों साल तक इस धरती पर अंधेरा रहेगा। सूर्य की किरण इस धरती पर न आने से इस धरती का तापमान काफ़ी नीचे गिर जाएगा, जिसके वजह से हमारी धरती आइसलैंड में बदल जाएगी। पर आप जानकर खुश हो जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह क्षुद्र ग्रह सिर्फ धरती के पास से गुजरेगा, जो करीब धरती से 3.9 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा। इससे पृथ्वी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों इससे डरने की कोई बात नहीं, इसलिए इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर अद्भुत जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।